अंग्रेजी मास्टर जी सीखने का नया अंदाज। हाय दोस्तों, मैं पीके, आपका दोस्त और आपका इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं बात करूंगा अंग्रेजी में समय कैसे देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक की ज़रूरत बहुत बार पड़ती है। क्योंकि जब कभी भी आपको समय देखने की आवश्यकता होती है तो आप हिंदी में बोलते हैं, आज सीखने के बाद अब अंग्रेजी में बोलेंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करिए। इसके बाद आप बेल की भी घंटी पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप हमारे लेसन के नए वीडियो सबसे पहले आप देखेंगे। लेसन फर्स्ट, अंग्रेजी में समय कैसे देखें, हाउ टू वॉच टाइम इन टू इंग्लिश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी में समय कैसे देखा जाए। इससे पहले कि हम इस वीडियोस पे आगे बात करें, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो आप जो वाक्य बोलते हैं वह वाक्य होना चाहिए एक्सक्यूज़ में। अगर वो आपसे उम्र में बड़ा है तो आप बोलिए एक्सक्यूज़ मी सर, यदि छोटा है तो एक्सक्यूज़ मी डियर, यदि आपके हम उम्र है तो एक्सक्यूज़ मी फ्रेंड आप बोल सकते हैं। जैसे आप एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, आपको जवाब में यस प्लीज या यस जैसा जवाब मिलता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन होता है। हम बात कर रहे हैं टाइम वॉचिंग के बारे में, समय देखने के बारे में, इसे समय से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। डू यू हैव अ वॉच ऑन यू, यदि उसके पास घड़ी होगा तो वो बोलेगा यस आई हैव, यदि नहीं होगा तो बोलेगा नो आई हैवेंट। यदि वो आपको जवाब देता है यस आई हैव, हाँ मेरे पास है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट टाइम प्लीज, व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, या व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इसमें से किसी एक क्वेश्चन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीनों क्वेश्चंस का मतलब लगभग एक ही होता है। जैसे आप उससे इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वह आपको समय बताएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से अंग्रेजी में समय देखते हैं। तो लेसन फर्स्ट, यदि हाउ टू वॉच टाइम इन टू इंग्लिश, यदि आपके घड़ी में 7 बज रहा है, इसको अंग्रेजी में आप 7 o'clock बोलेंगे। यदि आपके घड़ी में 7:10 हो रहा है तो इसको अंग्रेजी में आप 7:10 बोलेंगे। यदि आपके घड़ी में 7:15 हो रहा, यानी 7:15 बज रहा है, तो इसको अंग्रेजी में आप 7:15 बोलेंगे। 7:20 इसको अंग्रेजी में कहते हैं 7:20। 7:30 यानी 7:30 इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं 7:30। तो दोस्तों, ये हम बात करते 7 हो रहा है, यानी कि बीत चुका है के सेंस में। अब हम जो बात करेंगे वो बाकी है के सेंस में करेंगे, यानी 8 में बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए इस वीडियोस को, आगे हम सीखते हैं। हम आपको बताएंगे कि बाकी के सेंस में किस तरीके से समय देखा जाता है। तो चलिए सीखते हैं। 7:40 यानी 8:20 बाकी है ना दोस्तों। तो इसको अंग्रेजी में आप 8 o'clock बोलेंगे। 7:45 मतलब 7:45 हो रहा है, यानी 8:15 बाकी है, इसको अंग्रेजी में आप 7:45 बोलेंगे। 7:50 इसको आप इंग्लिश में 10, देखिए जो पास्ट लिखा वहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 10:08। 7:55 इसको अंग्रेजी में आप 5:58 कहते हैं।
7:57 यानी एक मिनट दो मिनट तीन मिनट बाकी हो तो इसको हम लोग अंग्रेजी में अराउंड यूज़ करते हैं, जैसे अराउंड 8 o'clock, लगभग आठ बजने वाला है। ठीक है दोस्तों, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब किसी भी समय को आप इस तरीके से देख सकते हैं। लेशन टू को देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियोस पहुंच सके। यहाँ रेड मार्क दिख रहा है आपको दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ दिए गए लोगों पर क्लिक करिए, आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।